हेलो एवरीवन, इस चैनल पर क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जहां कहीं भी डाउट हो कमेंट में लिखना न भूलें, जिससे कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर पाऊं। नाउ एक्सरसाइज 2.5, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। 1, एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 5 इक्वल टू एक्स बाय 3 प्लस 1 बाय 4। यहां देखिए बीच में इक्वल टू का साइन है, इसलिए हम इक्वल टू का साइन लिख देते हैं। सेकंड थिंग, यहां जो है लेफ्ट हैंड साइड में देखें कि वन वेरिएबल का टर्म है, वन कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड में भी वन वेरिएबल का टर्म है और अनदर कांस्टेंट है। तो हम करेंगे क्या कि वेरिएबल को जो है एक साइड में लेकर आ जाएंगे एंड कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड में, यानी वेरिएबल को क्या करेंगे यहां पे हम कि लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे और क्या बन गया एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 3। कारण एक्स बाय 3 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसलिए बन गया माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए कांस्टेंट क्या है 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5। और 2 और 3 लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम निकालकर चेक कर लेते हैं। 2 3 2 1 3 अगेन 3 1 1 2 3 जा 6, तो एलसीएम यहां 6 आया था, हम यहां पे 6 लिखते हैं। 2 में कितना सिंटू करने पर 6 आएगा, 2 3 जा, तो यहां पे x में हम 3 सिंटू करेंगे और कितना बन गया 3 × x 3x, माइनस 3 में कितना सिंटू करने पर 6 होगा 3 2 जा, तो x में 2 से इंटू करेंगे और कितना हो गया ये 2x। सिमिलरली अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में अब हम देखते हैं 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, निकालकर चेक करते हैं। 4 5, यहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 4 1 5 अगेन 5 1 1, यानी 5 4 20। अब यहां देखें कि 4 में कितना सिंटू करने पर 20 होगा, 4 की टेबल देखें एक बार, 4 5 20, तो 1 में हम किससे इंटू करेंगे 5 से, 1 5 5 प्लस 5 में कितना सिंटू करने पर 20 आएगा 5 4 जा, तो 1 4 जा कितना हो गया 4। और 3x - 2x कितना हो गया x बाय 6 इक्वल टू 5 + 4 9 / 20। और x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहां देखिए 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसके साथ चला जाएगा 9 के साथ, 9 × 6 / 20। यहां देखिए कुछ टर्म जो है यहां पे कैंसिल हो रहा है, यहां पर 6 भी इवन नंबर है और 20 भी इवन नंबर है, इसलिए इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं और 3 × 6 = 10 × 20 इक्वल टू कितना हो गया 9 × 3 = 27/10, दैट इज द आंसर। नाउ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2, n बाय 2 माइनस 3 n बाय 4 प्लस 5 n बाय 6 इक्वल टू 21। यहां पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर है सबके साथ वेरिएबल लगा हुआ है एंड राइट हैंड साइड में क्या है कांस्टेंट है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को पहले हम ऑपरेशन कर लेते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे 2 4 और 6, इसका एलसीएम कितना होगा पहले हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 अगेन बाय 2 अगेन 3 1 1 1, तो एलसीएम कितना हो गया इसका 3 2 जा 6 2 जा 12, यहां पे हम नीचे में क्या लिखते हैं 12 लिख देते हैं। अब 2 में कितना सिंटू करने पर 12 होगा 6 से, तो 6 × n कितना हो गया 6n, माइनस 4 में कितना सिंटू करने पर 12 होगा 4 3 जा, देन 3 3 जा 9n प्लस 6 2 जा 12, सो 5 2 जा 10n इक्वल टू 21। और एलसीएम तो नीचे 12 है इसलिए 12 लिखेंगे डिनोमिनेटर में, हम सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे प्लस को कर लेते हैं, 6n प्लस 10n कितना हो गया 16n माइनस 9n इक्वल टू 21। और 16n माइनस 9n कितना हो गया 7n बाय 12 इक्वल टू 21। और 7n इक्वल टू कितना हो गया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 21 × 12,
therefore n equal to 21 into 12 by 7. 7 3 जा 21. Now multiply 3 12 जा 36. Exercise 2.5 question number 3. X plus 7 minus 8x by 3 equal to 17 by 6 minus 5x by 2. यहाँ पे करना क्या है आपको? X का value find करना है. तो देखें पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं. X plus 7 minus 8x by 3 equal to 17 by 6 minus 5x by 2. यहाँ देखिए X का टर्म कौन कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का वन टर्म, सेकेंड टर्म एंड राइट हैंड साइड में वन टर्म है. यानी टोटल थ्री टर्म जो है वो वेरिएबल का है एंड टू टर्म कॉन्स्टेंट का है. तो और लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स के टर्म को लेकर चले जाते हैं. यानी जिसके साथ एक्स लगा हुआ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. तो क्या हो गया? एक्स माइनस 8x बाय 3 प्लस 5x बाय 2 इक्वल टू 17 बाय 6. ये जो प्लस 7 है ये राइट हैंड साइड में आकर क्या बन गया? माइनस 7. और अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6. फर्स्ट टर्म में देखिए एक्स के नीचे क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है. तो 1 6 जा 6, तो इसको मुझे 6 से इंटू करना पड़ेगा और क्या बन गया ये 6x माइनस 3 2 जा 6, तो 8 2 जा 16x प्लस 2 3 जा, इसलिए 5 में हम 3 से इंटू करेंगे. कारण 2 3 जा 6 होता है, इसलिए 5 3 जा 15x इक्वल टू. एंड राइट हैंड साइड में देखिए आप 7 के नीचे क्या है? 1 है. तो 6 और 1 का एलसीएम कितना हो गया? 6. 6 1 जा 6, सो 17 1 जा 17 एंड 1 6 जा 6, इसलिए 7 6 जा 42. और अब देखें इसमें जो पॉजिटिव टर्म है, जो प्लस, जिसके आगे प्लस है उसको एक साथ कर लेते हैं और निगेटिव को अलग करते हैं. 15 प्लस 6 कितना हो गया? 21x माइनस 16x बाय 6 इक्वल टू 17 माइनस 42. 17 माइनस 42 कितना हो जाएगा? माइनस 25 बाय 6. और 21 माइनस 16 कितना हो गया? 5x बाय 6 इक्वल टू माइनस 25 बाय 6. और 5x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये 6 जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं. माइनस 25 इंटू 6 बाय 6. देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 25 इंटू 6 बाय 6. ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इंटू 6 इंटू 5 हो गया. 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 5 5 जा 25. माइनस 5 इंटू 1 कितना हो गया? इक्वल टू माइनस 5. That